सिवनी जिले के बरघाट में असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह की प्रतिमा और भोपाल के अस्पताल में अमरवाड़ा के पूर्व विधायक और गोड़वाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौत को लेकर सामाजिक लोगों के साथ साथ आदिवासी समाज के विधायकों में भी काफी रोष है। सिवनी शहर के सर्किट हाउस में पहुंचे मंडला निवास बिछुआ शाहपुरा डिंडोरी बेहर बालाघाट लखनाधौन सहित बरघाट के विधायकों ने आक्रोश जाहिर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कहा कि राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह आज़ादी के वीर सपूत और आदिवासी समाज के गौरव रहे हैं। उनकी प्रतिमा के साथ की गई तोड़फोड़ से आदिवासी समाज आहत है। जिला प्रशासन गंभीरता नहीं ले रहा है, आरोपियों को नहीं पकड़ा जा रहा है। वहीं अमरवाड़ा के पूर्व विधायक और गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन शाह बट्टी की भोपाल के अस्पताल में हुई मौत को लेकर सवाल उठाए। आदिवासी विधायकों का कहना है कि उनकी मौत को लेकर पहले हार्ट अटैक बताया गया, फिर बाद में कोरोना पॉजिटिव बताकर अस्पताल प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन द्वारा गुमराह किया गया है। आदिवासी समाज और विधायकों का कहना है कि जो भी बीमारी थी और क्या इलाज किया जा रहा था, इसकी जानकारी परिजनों को दी जानी चाहिए थी। आदिवासी विधायकों का साफ कहना है कि मनमोहन शाह बट्टी की मौत को लेकर कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। उन्होंने सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग की है। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। जैसे कि हम लोगों को मालूम है, कल भी यहाँ पे हम लोग आए थे, समाज के लोगों ने जो घटना घटी बरघाट में, बरघाट के मंगल भवन में जो शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की जो मूर्ति थी उनको खबर किया, तो उससे आक्रोश था। तो तमाम अभी मीडिया में जो चला, तो इससे सुनकर इन लोगों ने हमसे कॉन्टेक्ट किया कि क्या है, और फिर मैंने भी इनको सब घटनाएँ बताई। तो उसी संबंध में ये लोग यहाँ के लोगों से मिलने आए थे और उस स्थल को देखने के लिए आए थे कि ये किस तरीके की घटना है, क्यों घटी, क्या है, उसी संबंध में बात करने आए थे। और फिर आज फिर उनका सभी सम्मान्य विधायक आए, तो सबका ये था कि आज चल के यहाँ पे स्थानीय प्रशासन से हम रूबरू हूँ, उनसे जाके मिले और यहाँ के जो स्थानीय हमारे पत्रकार बंधु हैं उनसे भी चर्चा कर लें। तो ये और ये साथ में मनमोहन सावट्टी जी की भी जो बात है वो भी हुई, तो ये उसी उपलक्ष्य में, क्योंकि समाज के अपने सभी विधायक हैं तो उनको भी तकलीफ है, तो वो जानने के लिए आए थे कि आखिर सच्चाई है क्या। मैं जैसा भी बात थी, अभी सम्मानित विधायकों ने बताया कि वो किस कारण मौत हुई वो स्पष्ट नहीं है, अस्पताल प्रशासन ने वो उसको स्पष्ट नहीं किया। पहले उन्होंने कहा कि ये हार्ट अटैक से हुआ, और उसके बाद जब बॉडी को लेकर जाने की जब बात खुली थी, तो उस समय फिर प्रशासन आया, प्रशासन ने बॉडी को निकाला, और उसके बाद फिर हॉस्पिटल कह रहा है कि ये कोरोना से हुआ। तो ये इतनी बड़ी गलती कोई डॉक्टर कर रहा है, तब फिर लोगों को संदेह होता है कि हकीकत है क्या, कि हार्ट अटैक से है, कोरोना से, या इसके पीछे कोई रहस्य है। तो ये मकसद है कि वो चीज़ें स्पष्ट हो। एक डॉक्टर की अगर दो ओपिनियन है, एक समय थोड़ी देर डेथ होने के पहले अगर कोई बात हो रही हो तो चलो ठीक है, डेथ हो जाने के बाद तो उनको स्पष्ट मालूम होना चाहिए कि ये डेथ किस कारण से हुई है, हृदय गति से हुई है या कोरोना से हुई है। तो डॉक्टर उसमें अगर कंफ्यूज है तो ये तो फिर अपन लोग फिर भगवान मानेंगे फिर। और इतने बड़े हॉस्पिटल की बात, जहाँ पे मुख्यमंत्री जी और बहुत सारे राजनेता वहाँ पे अपना इलाज करा रहे, तो फिर उनकी तो ज़िंदगी का सवाल है, उनके साथ में क्या क्या होता होगा, इतने में डॉक्टर्स हैं या नहीं है, क्या है। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने, अभी ये तो ऑथेंटिकेटेड नहीं, लेकिन कुछ मैंने वीडियो क्लिप देखा था, फेसबुक में भी देखा था कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर, वो भी चिराइयों में एडमिट हैं, और उसको भी लेकर बड़ी सारी भ्रांतियाँ और वो चीज़ें, और बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ना तो उनका वहाँ पे एडमिट किया गया, कोई एडमिशन के कहीं से कोई दस्तावेज नहीं है, उनको कोरोना हुआ है इसके कोई दस्तावेज नहीं है, और कोरोना जो उनकी मेडिकल बुलेटिन जो वहाँ से जो जारी हो रही है, वहाँ के जो डॉक्टर गोयन का जो भी है वो उनके वहाँ पर दस्तक सिग्नेचर्स नहीं है, मतलब पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो आज यहाँ पे मंडला से निवास के विधायक थे सम्मानी डॉक्टर मस्कुले जी, बिछुआ से विधायक थे सम्मानी नारायण भट्टा जी, शहपुरा डिंडोरी के विधायक थे सम्मानी भूपेंद्र मरावी जी, बैयर के विधायक थे सम्मानी संजय उल्के जी,
और लखनऊ जोन के विधायक थे सम्माननीय बाबा योगन बाबा जी, और तीन विधायक और आने वाले थे छिंदवाड़ा से, लेकिन चूँकि वहाँ पे हमारे सम्माननीय विधायक खुले विजय जी तो पॉजिटिव पाए गए हैं, और कल परसों वो नीति समिति विधायकों की मीटिंग हुई थी साथ में थे, तो उसके अच्छे सोचते हुए नहीं है पालन कोरोना के जो नियम हैं उनका पालन किया गया, और हम अगर ये स्वस्थ हैं अच्छे हैं तो इनके भी कोई कुछ नहीं है और आ सकते हैं मिल सकते हैं, तो इस तरीके से देख के उसका बाकायदा पालन करते हुए ही ये लोग आए हुए हैं, और आज भी यहाँ पे आके भी उस चीज़ का पालन किया गया। आपने भी देखा यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस अपन ने मेंटेन करके रखा था। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।